शेयर मार्केट की थोड़ी सी भी जानकारी रखते होंगे तो रिसेंटली जो इतनी बड़ी खबर निकल के सामने आई है, जो हिंडनबर्ग रिपोर्ट, उसके बारे में तो आपने सुना ही होगा। तो हिंडनबर्ग रिपोर्ट में ये दावा किया गया है कि अडानी की जितनी भी कंपनियां, मोस्टली 7 कंपनी, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, वो ओवर वैल्यूड है। तो बेसिकली ये हिंडनबर्ग कंपनी क्या करती है, यानी कि इसका बेसिकली काम है शॉर्ट सेलिंग बिजनेस का, और साथ ही ये इन्वेस्टिगेशन तो करती ही है। तो अब बात आता है कि ये शॉर्ट सेलिंग बिजनेस क्या होता है। शॉर्ट सेलिंग बिजनेस वो होता है कि जहां पर प्राइस डाउन जाने पर आप कमा सकते हो, यानी कि जितना प्राइस ड्रॉप होगा आप एक पॉइंट नोट कर लेते हो, ब्लॉक कर लेते हो, वहां पर आते ही आपको जो है मुनाफा होगा। तो चलिए एक थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ मैं आपको इस चीज को समझाता हूं। देखिए, लेट्स सपोज कि हिंडनबर्ग कंपनी एक कंपनी एक्स पर रिपोर्ट पेश करने वाली है, यानी कि उसने पूरी तरह से अपनी इन्वेस्टिगेशन सब कुछ कर लिया है, और उसने ये दावा किया कि कंपनी की फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट, ऑपरेशन इशू, वीक मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ों के साथ साथ कंपनी ओवर वैल्यूड है, जबकि उसकी वैल्यू डिक्रीज करनी चाहिए। अब एक इन्वेस्टर इस रिपोर्ट को पढ़ता है, और वो ये पढ़ते ही कंपनी एक्स के स्टॉक्स को शॉर्ट सेलिंग करने की सोचता है। तो वो इन्वेस्टर क्या करेगा कि किसी भी ब्रोकर से कंपनी एक्स के स्टॉक उधार लेगा, जी हाँ उधार लेगा, और वो ओपन मार्केट में इन शेयर्स को, सपोज कि आप 50 रुपये तक लगा लीजिए कि 50 रुपये में उन शेयर्स को वो सेल करेगा, यानी कि उसने 50 रुपये में उधारी ली है। अब क्या होता है कि जैसे कि उसने प्रिडिक्ट किया था, रिपोर्ट ने भी और उस इन्वेस्टर ने भी कि मार्केट जो है इस कंपनी की डाउन जाएगी, प्राइस ड्रॉप होगा, और जो उसका स्टॉक है और 40 रुपये पर शेयर तक ड्रॉप हो भी जाता है। अब वो इन्वेस्टर क्या करेगा कि जो वो शेयर गिरे थे उसी शेयर को दोबारा से 40 रुपये में खरीद लेगा, वो 40 रुपये में खरीद लेगा, और जो शेयर उसने ब्रोकर से उधार लिए थे उन शेयर्स को वापस कर देगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टर 10 रुपये तक का एक शेयर पर प्रॉफिट कमा लेता है, जो डिफरेंस आता है। तो सेम काम यहाँ पर हिंडनबर्ग कंपनी करती है। तो इस तरह से हिंडनबर्ग कंपनी कुछ काम करती है, वो रिपोर्ट पेश करती है और लोग उस पर शॉर्ट सेलिंग बिजनेस करते हैं। जैसे कि मैंने कहा कि पहले वो कुछ शेयर्स को बोरो करेगा, फिर एग्जांपल दिया था कि वो 50 रुपये में उसे सेल कर दे रहा है, फिर 40 रुपये में वापस खरीद ले रहा है। तो ये शॉर्ट सेलिंग बिजनेस होता है।